अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर ऑल डूइंग गुड। और मंडे का व्लॉग है ये। मंडे को मैंने दोपहर से रिकॉर्डिंग करना शुरू की थी जब प्रिंसिपल स्कूल से आई थी। तो बस ये स्कूल से आती है तो मुझे इसे नीचे लेने जाना पड़ता है क्योंकि इसका बैग थोड़ा हैवी होता है तो ये उठा के सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती। और बस जब किस्वा को लेने जाती हूँ तो आयरा मेरे साथ ही नीचे जाती है, फिर वो नीचे बैठ जाती है अपनी ताई के पास और फिर मैं किस्वा को ले आती हूँ। यहाँ पर मैंने किस्वा के पीटी शूज़ भी जो है वो धोकर डाले हुए थे क्योंकि अभी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मैले मैले से हो रहे थे। अपना कम्फर्ट भी बाहर डाला हुआ था मैंने धूप लगाने के लिए। और बस जैसे ही किस्वा स्कूल से आती है उसके पास उसकी ढेर सारी बातें होती हैं कि इस फ्रेंड ने ये कह दिया, इस फ्रेंड ने वो कह दिया, आज स्कूल में ये हुआ, आज वो हुआ। और मैं भी उससे बोलती हूँ कि स्कूल में जो भी हो आप मुझे आके सब चीज़ें बताया करो। आयरा लेट उठी थी, काफ़ी लेट उठी थी, तो जो है आयरा को मैंने यहाँ पर गुआवा काट के दे दिया था और मैंने उसमें थोड़ा सा जो है वो काला नमक डाल दिया था ताकि उसे खांसी वासी ना हो। और किस्वा जो है वो अपना लंच करी थी। लंच में मैंने बनाया था आलू मटर का पुलाव और टमाटर की चटनी, लेकिन वो चटनी वगैरह खाती नहीं है तो वो सिंपल अपना आलू मटर का जो है वो पुलाव लेके बैठी थी। दोपहर में तो किस्वा को राइस ही चाहिए चाहे वो किसी भी किस्म के हों, रोटी का सुन के उसकी भूख मर जाती है। और ये मैंने सुबह उठते ही जो है वो चने भिगो दिए थे। मैं सोच रही थी कि मैं जो है वो मुर्ग छोले बनाऊंगी तो मैं उसके लिए चने भिगा दिए थे कि मैं उसको बॉयल कर लूँगी दिन में और फिर शाम में मैं सालन बना लूँगी। चावल मैंने दिन में इतने बनाए थे कि वो दिन में ही ख़त्म हो जाए, अगर वो रात में थोड़ा सा भी बच जाता तो किस्वा ने वो रात में भी खा लेने थे। बस खिला पिला के जो है दोनों को जल्दी से मैंने लिटाया सुलाने के लिए। आयरा तो नहीं सो रही थी, आयरा तो बस अपना देर से उठती है तो उसको नींद नहीं आती, लेकिन किस्वा फौरन सो जाती है। यहाँ पर जो है शाम का टाइम हो गया था, बच्चे सोकर भी उठ गए थे, आयरा तो खैर सोई ही नहीं थी और किस्वा को मैंने उठा दिया था। और शाम जो है वो काफ़ी ठंडी और ख़ूबसूरत होती है, बहुत अच्छा लग रहा होता है। बस तो 5 मिनट के लिए मैं निकलती हूँ बाहर, थोड़ा सा नज़ारा किया और बस वापस अंदर। और अंदर जो है वो अपना पूरा दरवाज़ा बंद करके पर्दे वर्दे डाल लेते हैं हम लोग, सारी विंडोज़ बंद कर लेते हैं तो मेरा रूम जो है वो बिल्कुल नॉर्मल रहता है, सर्दी का पता नहीं चलता। इट्स सो विंडी ना आयरा, ओह माय गॉड, यू डिडंट मेक योर हेयर आयरा, इट्स लुकिंग सो मेसी, कम ऑन लेट्स गो इनसाइड, दिस वाइज इट्स सो विंडी बेटा। मगरिब टाइम, यहाँ पर मगरिब की अजान के बाद जो है वो आसमान इतना ख़ूबसूरत हो गया था, बिल्कुल डबल ट्रिपल शेडेड हो रहा था। तो बस वो देखने के लिए मैं बाहर आई, एक क्लिप बना लिया, उसके बाद मैंने अपनी चाय बनाई। और मगरिब की अजान के बाद ही मैं मोस्टली चाय लेती हूँ और सर्दियों में तो दिन का पता ही नहीं चलता दिन कहाँ गया, तो बस शाम जो होती है वो थोड़ी लेट ही हो जाती है। यहाँ पर छोले भी उबल गए थे, मैंने उबाल के रख लिए थे। थोड़ी सी सब्ज़ी मंगाई थी, मेरे पास सब्ज़ियाँ ख़त्म हो रही थी, आलू प्याज। और किस्वायरा जो है वो आज फरमाइश करी थी कि मम्मा हमें मैक्रोनी बना के दे, हमने मैक्रोनी खानी है।
मोस्टली वो लोग ऐसी चीज़ें नहीं खाती, वाइट सॉस पास्ता हो गया, रेड सॉस पास्ता हो गया, इस तरह की चीज़ें वो बिल्कुल भी नहीं खाती। और इवन दो मैं भी नहीं खाती, फैजान भी नहीं खाते हैं, हमारे यहाँ इस तरह की चीज़ें बनती ही नहीं है, क्योंकि बच्चे शौक से खाते ही नहीं। क्रीम वाली कोई भी चीज़ हम लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती, हांडी वगैरह हो गई मैं नहीं बनाती। किसवा तो बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाती, आयरा तो फिर भी थोड़ा बहुत जो है वो टेस्ट कर लेती है, लेकिन किसवा बिल्कुल नहीं खाती। बस इनकी कुरान क्लास हो रही थी, जब तक ये अपनी कुरान क्लास ले रही थी तब तक मैंने जल्दी से वेजिटेबल्स कट करके मैक्रोनी बना ली थी कि 8:30 बजे तक हमारा खाना हो जाता है। और ये देखें यहाँ पर मैस, जैसे ही कुरान क्लास ख़त्म हुई मैंने इन दोनों को खाना दिया, और जब तक जो है ये सारा मैस जो ये खेल रही थी अपने सारे टॉयज़ फैला के, तो वो मैंने इन्हें कहा था कि जैसी खा लो समेटना। ये लेफ़्ट ओवर मैक्रोनी थी, क्योंकि उसने कहा था मैं सुबह स्कूल भी लेके जाऊंगी अपने साथ लंच में, तो मैंने करके रख दी थी। इन दोनों को खिला के जो है वो मैंने अपना खाना निकाला, और उसके बाद मैंने किसवा को पढ़ने बिठाया। This feels like a very big fish, he thought, and he pulled it, and he the water gave a great fish. पढ़ने के बाद जो है वो किसवा ने अपना किसवा आयरा ने दूध लिया, और दूध पीने के बाद दोनों जो है वो सो गई। और ये व्लॉग एडिट करते करते जो है मुझे इतना टाइम लग गया, मतलब लिटरली मैं वॉइस ओवर करती हूँ, किसवा आयरा कभी इधर उधर होती हैं, नीचे होती हैं, तो मैं कर पाती हूँ। अगर वो लोग ऊपर होती हैं, खेल रही होती हैं बाहर या कमरे में, तो मैं बिल्कुल भी जो है वो उन्हें खामोश करा के वॉइस ओवर नहीं कर सकती। ये आ गई थी नेक्स्ट मॉर्निंग, और नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो मैं नाश्ते की तैयारी कर रही थी। सबसे पहले मैंने उठ के चाय का पानी रखा, और ये जो व्लॉग है ये मंडे और ट्यूसडे का है जो पिछला गुजर चुका, और ये आपको इस मंडे ट्यूसडे के बाद वेनेसडे को देखने को मिलेगा। अब तो जो है वो किस्मत की विंटर वेकेशन भी स्टार्ट हो गई है। तो बस मॉर्निंग में मैं उठी, मैंने जल्दी से जो है वो मैक्रोनी निकाली किसवा का लंच पैक करने के लिए, और चाय का पानी साथ साथ रख दिया था। अब तो जो है वो चैनल के अल्हम्दुलिल्लाह व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे हैं, और सब्सक्राइबर भी जो है वो स्लोली और ग्रेजुअली इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। मेरी एक और फ्रेंड है जो व्लॉगिंग करती है, उसने लिटरली उसका ये था कि उसके सब्सक्राइबर्स तो हो गए थे लेकिन 1000 हो गए थे, लेकिन उसके पास व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम आ रहे थे। तो मेरी उससे बात हुई थी, उसने मुझे बताया कि मैंने अपना वो चैनल बंद कर दिया है, और मैंने अब दोबारा से न्यू चैनल स्टार्ट किया, उस पर भी उसके सब्सक्राइबर्स काफ़ी अच्छे हैं। मतलब जितने टाइम में उसने न्यू चैनल बनाया है, तो उसके व्यूज़ से ज़्यादा उसके सब्सक्राइबर्स बहुत अच्छे। यही होता है, लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं लेकिन आपकी वीडियोस नहीं देख पाते। तो मुझे यही कह रही थी, मैंने कहा कि यार मैं तो सब्सक्राइबर्स भी नहीं बढ़ रहे, तो क्या मैं भी इस चैनल को बंद करके न्यू चैनल बनाऊँ फिर दोबारा से सारी वीडियो सारी चीज़ें। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं थोड़ा रुकी हूँ, तो अब जो है वो चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं। الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين 6 बजे मैं उठ जाती हूँ, और उठते के साथ सबसे पहले जो है वो तिलावत लगाती हूँ, मंजिल लगाती हूँ, या सूरह रहमान सूरह बकरा जो भी मैं लगाती हूँ, और उसके बाद जो है वो मैं अपने काम स्टार्ट करती हूँ। किसवा भी उठ गई थी, उसका ये नाश्ता था, दो मैंने उसको ब्रेड के पीस टोस्ट कर दिए थे हल्के से, और जो है उसके साथ उसको चाय दे दी थी। यहाँ पर मैंने ऑरेंजेस के साथ उसकी मैक्रोनी उसका लंच पैक कर दिया था। वो भी उठती है, वो बस सुनती रहती है कुरान और तैयार होती रहती है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके सेकंड वर्कशीट भी हो गई है, जिसका रिज़ल्ट अब विंटर वेकेशन के बाद आएगा, और अब उसकी जो है वो फाइनल टर्म की पहली वर्कशीट का सारा सिलेबस भी आ चुका है, विंटर वेकेशन भी मिल चुका है। तो अब उसकी जो है वो सारी उस पर
उस मेरा सारा फोकस होगा। मैं यही कह रही थी अब नानी के यहाँ रुकने जाएंगे, इससे पहले जो है वो अपना सारा होमवर्क यहीं कंप्लीट कर लो, ताकि सारी बुक्स वगैरह भी लेके जाना पड़ता है तो डबल से ट्रिपल स्टफ हो जाता है। एक तो कपड़े होते हैं, मेरे बच्चों का सामान होता है, उसके बाद मेरा लैपटॉप होता है, उसके बाद फिर पढ़ाई का भी सारा पूरा मैं सामान लेके जाऊँ तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लगेज ही हो जाता है वो पूरा। यहाँ पे हाथ नहीं रखा करो, ये इधर थोड़ा सा कटा हुआ है ना, कट जाएगा, जिससे लाए पापी का हुआ था। बस किस्पा को छोड़ के आने के बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया और डायरेक्टली जब मैं किचन में गई तो मैंने सबसे पहले जो है वो सालन चढ़ाया। आज मुझे आलू गोश्त बनाना था, मैंने सुबह ही फ्रीज़र से जो है वो डीफ्रॉस्ट होने के लिए गोश्त निकाल दिया था, और नाश्ते में मैंने थोड़ी सी अपने लिए मैक्रोनी गर्म कर ली थी और आयरा जो है वो स्टिल सो रही थी। मेरी कोशिश यही होती है कि किस्पा के आने से पहले पहले जो है वो मैं खाना रेडी कर लूँ, क्योंकि वो आती है चेंज करती है, उसे खाना चाहिए होता है। और अब जो है वो अपनी नॉर्मल स्कूल टाइमिंग पे आ गई, पहले तो वो तकरीबन 11:30 बजे तक आ जाया करती थी 12 बजे तक, और अब जो है वो उसका नॉर्मल रूटीन 2 बजे का टाइम हो गया, 2 बजे आ जाती है। और आलू गोश्त के साथ डेफिनेटली हमारे यहाँ राइस ही खाए जाते हैं, तो मैंने साथ में राइस भी बॉयल कर लिए थे। यहाँ पर किस्पा आ गई थी स्कूल से और उसने जो है वो खाना नहीं खाया था। लिटरली मैं आज हैरत करी थी, कही थी मम्मा मैक्रोनी जो है वो थोड़ी हैवी हो गई थी, मुझे नहीं खाना, आप मुझे सिर्फ जो है वो ऑरेंजेस दे, ऑरेंजेस खा के वो सो गई। और उसने फिर 5 बजे उठ के जो है वो दोपहर का खाना खाया, लेकिन मैं और आयरा तो हम दोनों ने खाना वाना खाया और उसके बाद जो है फिर आयरा जाग रही थी। और बस इसके साथ जो है मैं आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पे। शाम का टाइम था, ये बच्चे बाहर थोड़ा सा सर्दी को इंजॉय कर रहे थे, मैं भी उनके साथ थी। आपको कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ डू शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, इट मीन्स अ लॉट टू मी। और मैं मिलूंगी बहुत जल्द एक नई वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।